हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूं, जो कि वैसे तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए कि जैसे हमारी गाड़ी में सीट बेल्ट की जो आवाज़ आती है, हम गाड़ी चलाते हैं 15 से 20 की स्पीड गाड़ी पकड़ती है तो सीट बेल्ट की आवाज़ आने लग जाती है, तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि भाई गाड़ी में सीट बेल्ट लगाई जाए, तो उस बीप को कैसे बंद करना है बहुत ही इजी तरीका है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि गाड़ी में सीट बेल्ट की आवाज़ कैसे आती है और कितनी स्पीड पे आती है। मैंने गाड़ी चलाई और ये देखिए, ये जैसे ही 15 से 20 की स्पीड पे पहुंचती है ये इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाता है और पी पी की आवाज़ आने लग जाती है। अब मैं अपने को पैसेंजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी सीट बेल्ट लगाए और मैं भी लगा लेता हूं। एक बार ये थोड़ा सा टर्न ले लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा ये मेरी लग चुकी है, और जैसे ही ये साइड वाली लगी तो ये इसमें से आवाज़ आना ही बंद हो गई और सीट बेल्ट की लाइट भी बंद हो गई। तो ये चीज़ हमें कई बार काफ़ी इरिटेटिंग करती है, हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो ये आवाज़ आती रहती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद कंटिन्यू पी पी करती रहती है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे इसको बंद कर सकते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सीट बेल्ट की आवाज़ आनी चाहिए ताकि आपको रिमाइंड हो सके कि आपको सीट बेल्ट लगानी है। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कपलर होता है वो। तो भाई ये जो कपलर होता है ना हमारा, ये होता है हमारी दोनों सीटों के नीचे। ये ड्राइवर साइड की सीट है, ये को पैसेंजर की है। मैं आपको को पैसेंजर वाला हटा के दिखाता हूँ एक बारी। ये कपलर होता है ये वाला, ये सीट बेल्ट के इसके सीट के नीचे लगा होता है। इसको सिंपली आपने बस पुश करके और खींच देना है। ये देखिए, ये ऐसा कपलर है, इसको पुश करके खींच देंगे तो ये हट जाएगा और उसके बाद आपकी सीट बेल्ट की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। सेम इसी तरीके का इसके नीचे होता है यहाँ पे, तो ये भी आपको ऐसे ही हटाना है और उसको आप दोबारा एज इट इज़ दोबारा लगा भी सकते हैं, फिर दोबारा से आपकी सीट बेल्ट की आवाज़ आने चालू हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, सीट बेल्ट की वायर का जो कपलर है वो हम हटा चुके हैं और अभी देखिए मैं गाड़ी को चलाऊंगा, फिर देखते हैं आवाज़ आती है या नहीं आती। ये देखिए, मैंने लगाया पहला गियर, गाड़ी को मैं बढ़ाता हूँ आगे और ये देखिए दरवाजे लॉक हो गए हैं। दरवाजे भी सीट बेल्ट की आवाज़ के साथ ही लॉक होते थे, पहले 15 से 20 की स्पीड आती थी, दरवाजे भी लॉक हो जाते थे और इसकी सीट बेल्ट की भी आवाज़ आना चालू हो जाती थी। और अभी ये देखिए, एक को पैसेंजर ने भी और ना ही मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो भाई ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना, ये सिर्फ एक जानकारी के लिए बनाई है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं कभी भी इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता कि आप ये सीट बेल्ट का कपलर इसको हटाएँ और सीट बेल्ट की आवाज़ को बंद करें। आवाज़ अगर आती रहेगी तो आपको रिमाइंड होता रहेगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, आपने या आपके को पैसेंजर ने, तो आप सीट बेल्ट ज़रूर लगा के चलें और सेफली ड्राइव करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।